नमस्कार। भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। फिर विवादों में घिरा जेएनयू, अब मुजफ्फरनगर दंगों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाने का मामला, यूनिवर्सिटी ने पुलिस को भेजी रिपोर्ट। विजय माल्या के बारे में नया खुलासा, बैंक लोन से मिले पैसे को विदेशी कंपनियों में लगाया, ईडी और सीबीआई कर रही है 40 विदेशी कंपनियों की जांच पड़ताल। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 68 जज गर्मी की छुट्टी में भी करेंगे काम, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अपील ने दिखाया रंग। पूर्व सैनिक कर्मियों ने निलंबित किया वन रैंक वन पेंशन आंदोलन, राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे आंदोलन का मुद्दा, पूर्व सैनिक कर्मियों का रखेंगे पक्ष। और भारत की परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कलवरी समुद्र में उतरने को तैयार, बंदरगाह स्वीकृति परीक्षण के बाद कल होगा समुद्री परीक्षण। भारतीय बैंकों से करीब 9000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भागे विजय माल्या को भारत लाने की कवायद तेज हो गई है। इस बीच ईडी और सीबीआई ने 39 कंपनियों पर भी टेढ़ी नजर बना ली, जिनमें किसी न किसी रूप में कारोबारी के हित जुड़े हुए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि माल्या ने बैंकों से जो कर्ज लिया है उसका पैसा इन कंपनियों से होकर भी गुजरा है। इनसे अधिकतर कंपनियां विदेशी हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से माल्या से जुड़ी इन कंपनियों में से कई नीदरलैंड्स, यूके, दक्षिण अफ्रीका, चीन और नेपाल की है। ईडी और सीबीआई ने अपनी जांच में ये भी पाया है कि माल्या दुनिया के कई देशों में कई तरह की अचल संपत्तियों के भी मालिक है, जिसकी जाँच शुरू हो गई है। जेएनयू परिसर में बीते 9 फरवरी को हुए विवादास्पद कार्यक्रम के लिए दी गई सजा के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने विरोध करते हुए मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने दिल्ली पुलिस की आतंकवाद विरोधी इकाई स्पेशल सेल को अपनी रिपोर्ट भेज दी है, जो परिसर में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किए जाने के संदर्भ में दर्ज देशद्रोह के मामले की जांच कर रही है। विश्वविद्यालय की इजाजत के बिना डॉक्यूमेंट्री मुजफ्फरनगर अब भी बाकी है कि प्रदर्शन के मामले में ताजा नोटिस भेजा गया है। सांसदों ने अपने वेतन और भत्तों में 100% वृद्धि की सिफारिश की है, साथ ही उन्हें लगता है कि अपने अच्छे रवैये की वजह से वो इस बढ़ोतरी के लायक है। संसद के अगले सत्र में इस मुद्दे पर बिल पास होने की संभावना है। सांसदों का वेतन दोगुना करने का प्रस्ताव तैयार रखा हुआ है। संसदीय समिति ने सांसदों का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1,00,000 करने की सिफारिश की है। साथ ही संसदीय क्षेत्र का भत्ता भी 45,000 से 90,000 करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को माना गया तो सांसदों का वेतन और भत्ता 1,40,000 से बढ़कर कुल 2,80,000 प्रतिमाह किया जा सकता है। रविवार को फ्रेंच डिजाइन पर आधारित पहली परंपरागत डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी कलवरी समुद्र में उतरने को तैयार है। विश्वस्त सूत्रों ने बताया है कि प्रोजेक्ट 75 को लेकर बंदरगाह स्वीकृति परीक्षण लगभग पूरा हो गया है और ये समुद्री परीक्षण के लिए सज धज कर तैयार है। प्रोजेक्ट से जुड़े सूत्र ने कहा, पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ साथ चालक दल के सदस्य भी कलवरी के लिए समुद्री परीक्षण को तैयार है। ये प्रक्रिया 5 से 6 महीने चलेगी। वन रैंक वन पेंशन को पूरी तरह लागू करने की मांग को लेकर पिछले 320 दिनों से आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिक कर्मियों ने अपने आंदोलन को निलंबित कर दिया है। उधर वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो शीर्ष अदालत में उनकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व सैनिक कर्मियों ने कहा कि क्रमिक भूख हड़ताल को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है क्योंकि हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हमने अपने आंदोलन को निलंबित किया है, हम मानते हैं कि परिकर हमसे किए गए अपने वादे को अब पूरा करेंगे। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान से पहले बंगाल सरकार के एक मंत्री ने विवादित बयान दिया है, जिसे विरोधी ममता सरकार को घेरने के लिए मुद्दा बना सकते हैं। मंत्री फिरहाद हकीम ने पाकिस्तानी अखबार द डॉन से बातचीत में कोलकाता के एक इलाके को मिनी पाकिस्तान कह डाला। हकीम ने 24 परगना जिले के विधानसभा क्षेत्र गार्डन रीच को मिनी पाकिस्तान कहा। मंत्री ने रिपोर्टर से गार्डन रीच इलाके में रैली के दौरान कहा कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको कोलकाता के मिनी पाकिस्तान में ले चलते हैं। बयान पर हकीम ने सफाई देते हुए कहा कि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश ना करें।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर के अनुरोध को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 68 जजों ने गर्मियों की छुट्टी में भी मुकदमों की सुनवाई करने की सहमति दे दी है। ऐसा करने वाला इलाहाबाद हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पहल पर हाई कोर्ट के 68 जजों ने अब तक गर्मी की छुट्टियों में भी न्यायिक कार्य करने की सहमति दी है। बार के पदाधिकारियों और सीनियर जजों के साथ इस संबंध में चीफ जस्टिस की मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि गर्मी की छुट्टी के दौरान जेल अपीलों, जिसमें जेलों में सजा काट रहे अपराधी और सरकार द्वारा दायर क्रिमिनल अपीलों की सुनवाई जज वरीयता के आधार पर करेंगे। केंद्र सरकार अब अगस्ता वेस्टलैंड मामले में यूपी सरकार के समय रक्षा मंत्री रहे एके एंटनी को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारियों की एक टीम अभी तक 40 से ज्यादा फाइलों को खंगाल चुकी है। रक्षा मंत्रालय के उच्च अधिकारी उन फाइलों को खंगाल रहे हैं जिसमें 3500 करोड़ रुपए के इस सौदे में अनियमितता का जिक्र है। स्कैनिंग कर रही इस टीम में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने शुक्रवार को इस टीम के साथ 2 घंटे लंबी बैठक की ताकि वो संसद में अपने बयान की तैयारी कर सके। इतना ही नहीं, वो खुद इन सभी दस्तावेजों पर नजर बनाए हैं और इतालवी कोर्ट के आदेश को भी जांच रहे हैं। दिल्ली में दूसरे चरण के ऑड इवन ट्रायल का आज आखिरी दिन है। इस बीच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से 74 जगहों पर लगाए गए प्रदूषण नियंत्रक यंत्र से जो डाटा मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। डाटा के शुरुआती आंकलन पर गौर करें तो आंकड़े दिल्ली सरकार के पक्ष में नहीं है, यानी प्रदूषण में गिरावट दर्ज नहीं हुई है। अंदर ही अंदर इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार घबराई हुई है। डीपीसीसी के सूत्रों के मुताबिक डाटा का सटीक आंकलन करने के लिए सैंपल को पुणे के IITM भेजने की तैयारी है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि दिल्ली में ऑड इवन के दौरान में प्रदूषण का स्तर क्या था और अगर कम नहीं हुआ इसकी असल वजह क्या रही। उच्चतम न्यायालय आज प्रदूषण मुद्दों पर सुनवाई करेगी। इसमें मर्सिडीज, टोयोटा, महिंद्रा और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली बड़ी डीजल कारों के पंजीकरण की अनुमति का अनुरोध भी शामिल है। इससे पहले कल कोर्ट ने आज के लिए प्रस्तावित पूर्ण व्यवस्थित सुनवाई स्थगित करने का केंद्र का आग्रह ठुकरा दिया था। 2000 सीसी तथा इससे अधिक की इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण पर पाबंदी वाला अंतरिम आदेश 30 अप्रैल तक लागू है। दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास के पाठ्यक्रम में शामिल एक किताब जिसमें भगत सिंह को क्रांतिकारी आतंकवादी करार दिया गया है के हिंदी अनुवाद की बिक्री और वितरण पर रोक लगा दी गई है। ड्यू के प्रवक्ता ने बताया कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नामक इस किताब की बिक्री और वितरण को रोक दिया गया है। अंग्रेजी में इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम की ये किताब पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से ड्यू के पाठ्यक्रम का हिस्सा रही है। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने दिल्ली और गुजरात की यूनिवर्सिटीज को ये निर्देश दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी से जुड़े सभी RTI का जवाब दे। खास बात यह है कि ये निर्देश दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की CIC को चिट्ठी को लिखने के एक दिन बाद दिया गया है। इतना ही नहीं, CIC श्रीधर आचार्यलु ने PMO को भी ये निर्देश दिया है कि वे ये बताएं कि PM के पास कितनी डिग्री है और वो किस साल जारी हुई है, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड खोजने में मदद मिल सके। दिल्ली में दूसरे चरण के ऑड इवन ट्रायल का आज आखिरी दिन है। इस बीच दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से 74 जगहों पर लगाए गए प्रदूषण नियंत्रक यंत्र से जो डाटा मिल रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। डाटा के शुरुआती आंकलन पर गौर करें तो आंकड़े दिल्ली सरकार के पक्ष में नहीं है, यानी प्रदूषण में गिरावट दर्ज नहीं हुई है। अंदर ही अंदर इस रिपोर्ट को लेकर दिल्ली सरकार घबराई हुई है। डीपीसीसी के सूत्रों के मुताबिक डाटा का सटीक आंकलन करने के लिए सैंपल को पुणे के IITM भेजने की तैयारी है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि दिल्ली में ऑड इवन के दौरान में प्रदूषण का स्तर क्या था और अगर कम नहीं हुआ इसकी असल वजह क्या रही। उच्चतम न्यायालय आज प्रदूषण मुद्दों पर सुनवाई करेगी। इसमें मर्सिडीज, टोयोटा, महिंद्रा और जनरल मोटर्स जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 2000 सीसी और इससे अधिक की इंजन क्षमता वाली बड़ी डीजल कारों के
पंजीकरण की अनुमति का अनुरोध भी शामिल है। इससे पहले कल कोर्ट ने आज के लिए प्रस्तावित पूर्ण व्यवस्थित सुनवाई स्थगित करने का केंद्र का आग्रह ठुकरा दिया था। 2000 सीसी तथा इससे अधिक की इंजन क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण पर पाबंदी वाला अंतरिम आदेश 30 अप्रैल तक लागू है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2015 से 2016 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.8% की दर से ब्याज दिए जाने की मंजूरी दे दी है। पहले सरकार ने 8.7% की दर से ब्याज देने का फैसला किया था, जिसे ट्रेड यूनियनों विपक्षी पार्टियों के विरोध के चलते सरकार को बदलना पड़ा। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ब्याज दर बढ़ोतरी की घोषणा की। दत्तात्रेय ने कहा, मुझे खुशी है कि वित्त मंत्रालय 8.8% की ब्याज दर देने पर सहमत हो गया है। कर्मचारी यूनियनों ने आज ही वित्त मंत्रालय द्वारा ब्याज दर को घटाकर 8.7% किए जाने के फैसले के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की थी। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की आज मुंबई में शादी होने वाली है। इससे पहले शुक्रवार को मुंबई के एक क्लब में मेहंदी सेरेमनी हुई। बिपाशा की ये पहली शादी है, जबकि करण तीसरी बार शादी कर रहे हैं। इससे पहले वो टीवी अभिनेत्री श्रद्धा निगम और जेनिफर विंगेट से शादी कर चुके हैं। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में, आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.